अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप डाउटनेट ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डाउटनेट ऐप कैसे काम करता है। डाउटनेट ऐप का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैमरे पे क्लिक करना है और जो भी क्वेश्चन है आपका उस क्वेश्चन को खींच लेना है। खींचने के बाद उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद फाइंड सॉल्यूशन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से फाइंड करेगा और इसका सॉल्यूशन आपको दे देगा। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो है, क्या है, भाग 22 में है। ठीक है, इसके पहले हमने आपको 21 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भाग नंबर 22 हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 36 तक क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 37 से बताना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है कि नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो हम नाभिकीय संलयन पहले समझ लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि नाभिकीय संलयन दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर, ठीक है, भारी नाभिक बनते हैं। कहने का मतलब कि इसमें जो नाभिकीय संलयन होता है, इसमें दो हल्के हल्के नाभिकों को जोड़कर, संयुक्त मतलब जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, भारी नाभिक बनते हैं, संयुक्त मतलब जुड़ते हैं या मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिकों का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आइए एक बार हम इसको फिर से क्लियर करते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है नाभिकीय संलयन में, तो अब तो आपको नाम से भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब होता है जोड़ना एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें समझिए, तो इसमें बताया जा रहा है कि नाभिकीय संलयन दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिकों का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। ठीक है, तो आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। और इसमें बताया जा रहा है क्या कि द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। क्या होती है, द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। और एग्जाम्पल में बताया जा रहा है, उदाहरण में, जब ड्यूटेरियम, ठीक है, 1H2 के दो नाभिक संलयित होते हैं तो क्या बनता है, ट्राइटियम प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि जब ड्यूटेरियम के, ठीक है, दो नाभिक संलयित होते हैं मतलब जुड़ते हैं या मिलते हैं या संयुक्त होते हैं तो ट्राइटियम प्राप्त होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है क्या, तर्क लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं। किससे, तर्क लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं। तो तर्क लॉजिक गेट में हम पहले समझेंगे लॉजिक गेट होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको वीडियो बना दिया है, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या फिर उम्मीद करते हैं कि आप अगर उस वीडियो को शुरू से पूरा देखते हैं तो आपका जो लॉजिक गेट नाम का चैप्टर है वो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझते हैं लॉजिक गेट के बारे में। तो लॉजिक गेट बताया जा रहा है वे डिजिटल परिपथ, ठीक है, लॉजिक गेट एक डिजिटल परिपथ होता है। तो वे डिजिटल परिपथ जो कि निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच किसी
तर्कसंगत संबंध पर आधारित होते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, तो इसे आप तैयार कर सकते हैं कि वे डिजिटल परिपथ जो निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच किसी तर्कसंगत संबंध पर आधारित होते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट किसी सिग्नल को अपने भीतर से होकर जाने के लिए अनुमत भी कर सकता है अथवा रोक भी सकता है। कहने का मतलब कि जो लॉजिक गेट होता है वह अपने भीतर किसी भी सिग्नल को होकर जाने भी दे सकता है और रोक भी सकता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में हमने आपको काफी लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस कर दिया है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम चाहेंगे कि आप वो वीडियो जरूर देखें। उसमें आपको गेटों के बारे में बताया गया, जैसे आर गेट बताया गया है, ठीक है, एंड गेट बताया गया आपको और नॉट गेट बताया गया है। तो ऐसे बहुत सारे गेट हमने आपको 3-4 बताए हैं। ठीक है, तो आप उससे रिक्वेस्ट है कि हमारा आप उससे देख लीजिएगा। ठीक है, अगर उसे देखेंगे तो आपका इसका बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक और इसका बुलियन व्यंजक अच्छे से तैयार हो जाएगा और इसकी जो सत्यता सारणी है, यही हमेशा पूछा जाता है, तो सत्यता सारणी भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप उसे एक बार जरूर देखें। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया जा रहा है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, गॉस के नियम का यूज करना है, हमें उपयोग करना है और उसका उपयोग करके एक समान आवेशित गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये डिराइवेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो हम इसको बताना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात कहां करना है, कोष के बाहर। तो हम लिख देते हैं कोष के बाहर। ठीक है, कोष के बाहर ज्ञात करना है। तो समझिएगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका एक फिगर ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आ सके। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार होगा। अब देखिए आप लोग बना सकते हैं हमसे भी गोला। ठीक है, क्योंकि अगर ये गोला ये जो है ये टेढ़ा तो नहीं ना है, अगर आपको टेढ़ा लग रहा है तो आप अपने से सही कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम आपको समझाना चाहेंगे, ये बिंदु O मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी दूरी हम मानेंगे, क्या मानेंगे, R मान लेते हैं, कैपिटल R। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर हम क्या करेंगे, दिखाएंगे विद्युत क्षेत्र। तो देखिए थोड़ा पतला हो रहा है हमारा। ठीक है, फिलहाल आप समझिएगा ऐसे ही, ये भी ऐसे गोले की जैसा है, बस डॉटेड लाइन से हमने क्या दिखाया, ये विद्युत क्षेत्र, इसे हम ई से दिखाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा धनात्मक आवेश हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए, अब एक ध्यान दीजिएगा एक चीज कि ये जो है ये यहां से इस जो डॉटेड लाइन से हमने बढ़ाया है अभी चुंबकीय क्षेत्र के लिए, इसकी दूरी हम मानेंगे स्मॉल आर। ठीक है, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, क्लियर है इतना। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मान लिया, हम बोल देते हैं आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या लिख रहा है, मान लिया कैपिटल आर त्रिज्या, ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष है। तो पहले तो हम इस कैपिटल आर की बात कर रहे हैं, इस गोले की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, गोलीय कोष है, इतना क्लियर है, जिसके पृष्ठ पर, कहां पे, पृष्ठ पर। अब देखिए जिसके पृष्ठ पर मतलब यहां पे, ठीक है, क्यू कुलाम का आवेश, क्यू मतलब प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू कुलाम का आवेश है। तो कहने का मतलब कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिसके पृष्ठ पर,
प्लस क्यू कूलम्ब का आवेश है। ठीक है, अब देखिए इस किसके इसके ठीक है, ये जो गोली कोष है इसके केंद्र से, केंद्र यही है, इसके केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर, ये देखिए कैपिटल आर दूरी पर गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। क्लियर, इतना हम बोल दिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। अब हम इसके आगे सिंपल और सरल तरीके से इसको हल करेंगे ताकि आप भी अच्छे समझ सके। तो इसमें बोला जा रहा था क्या, गॉस के प्रमेय का यूज मतलब उपयोग करते हुए, ठीक है, तो फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये किसका नियम होता है, ये होता है गॉस का नियम। ठीक है, ये हम लिख देंगे बगल में गॉस के प्रमेय से, समझिएगा गॉस के प्रमेय से, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आपको और पता होगा, फाई बराबर क्या होता है ई ए, फाई बराबर ई ए होता है। ठीक है, जब फाई बराबर ई ए होता है तो हम कह सकते हैं ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा क्या, फोर पाई आर स्क्वायर। ए क्या है आपका, अब समझिएगा, ए आपका है एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फोर पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, अब फाई बराबर ये है और फाई बराबर ये है, अगर आपका एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होगा, जाहिर सी बात है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, ई ए बराबर क्यू अपॉन एप्साइलन जीरो। इतना समझ में आया, यहां से किए हैं, ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, इतना हो गया। चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो ए है यहां पे ये वाला वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई इंटू एक जगह पे फोर पाई आर स्क्वायर, ये इधर का मैटर हो गया, इज इक्वल टू ये क्या है क्यू अपॉन एप्साइलन जीरो। ठीक है, तो क्यू अपॉन एप्साइलन जीरो को हम लिख लेते हैं क्यू अपॉन एप्साइलन जीरो। ठीक, अब समझिए ध्यान से, अगर हम यहां पे ई लिखे हैं, ठीक है, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्साइलन जीरो है, बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्साइलन जीरो, और ये जो फोर पाई आर स्क्वायर है ये कहां जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अब क्या देखना है, स्मॉल ई बराबर हो जाएगा, अब हम इसको अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वन और एप्साइलन, जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन एप्साइलन जीरो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल, और इनटू ठीक है क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, चीज यही है, बस थोड़ा सा इधर उधर कर रहा आप समझिएगा, क्योंकि इससे सिंपल तरीके से और आप नहीं समझ सकते। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे, इसको इंटीग्रल से भी सिद्ध किया जाता है, तो कुछ बच्चे होंगे जो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए सिंपल और सरल तरीका हम एकदम बेसिक तरीके से बताना चाहेंगे। तो ये इतना हो गया, अब देखिए इतना हो गया, अब समझिएगा एक चीज, ये एक फार्मूला होता है डेल्टा बराबर क्यू बाई ए, ये होता है, ठीक है, तो ये होता है तो क्यू, समझिएगा क्यू बाई ए, तो क्यू को तो क्यू लिखेंगे, लेकिन ए आपका क्या लिखा जाएगा, ए बराबर हम लिखेंगे आपका ये, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक जगह पे हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर। ये क्या समझ में आया, ये इज इक्वल टू किसके रहेगा, इसके इज इक्वल टू, समझ में आ रही बात। तो अब देखिएगा, अगर ये इतना हो गया तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये समझिएगा, ठीक है, अगर हम इस पूरे वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमने दिखा दिया कैसे, इस तरीके से यहां पे दिखा दिया, तो हम लिखेंगे क्या, सिंपल समझिएगा, E बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा E बराबर, ठीक है, और ये वन अपॉन एप्साइलन जीरो है, लिख दिए वन अपॉन एप्साइलन जीरो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर,
क्यू अपॉन 4πr² ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इसकी जगह पे पूरे हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे शुद्ध और अच्छे तरीके से, तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एप्साइलिन जीरो। आपका ये एक फार्मूला निकल के आ गया, और हमें एक फार्मूला और निकालना है, कैसे निकालेंगे वो समझिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। आइए हम यहीं पे आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इधर देख लीजिए, आपको यहीं पे एक ही पे समझ में आ जाएगा और भी बेस्ट। तो एकदम साइड में देखिए, तो करेंगे क्या, जब हम, ठीक है, लिखेंगे, तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखेंगे क्या, यहां लिख देंगे जब, ठीक है, जब डेल्टा की वैल्यू रखने पर, ठीक है, डेल्टा का मान रखने पर, जब डेल्टा का मान रखेंगे तो ये हमको मिलेगा क्या, E बराबर, ठीक है, E बराबर 1 अपॉन एप्साइलन 0 इंटू क्यू अपॉन 4πr² ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो चीज है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे ये समझिएगा। ये जो 4πr² है, इसमें से केवल 4π हम इसमें जोड़ देंगे, कैसे करेंगे, E बराबर 1 अपॉन 4π, इतना हो गया एप्साइलन जीरो, ठीक है, 4πε0 इंटू क्यू है तो क्यू अपॉन आर है तो r². देखिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। हमें उम्मीद है कि आपको एक डाउट हुआ होगा आपके माइंड में, क्या डाउट हुआ होगा वो भी हम बताते हैं आपको, कि आपको यहां पे ये नहीं समझ में आएगा कि डेल्टा का मान रखने पर कैसे रखे होंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे छोटी सी बात है, डेल्टा बराबर हमने आपको दिखाया था क्या, ये दिखाया था, समझ में आ रही बात, ये दिखाया था ना, तो इसकी जगह पे ई बराबर हम यहां पे डेल्टा की जगह पे यही वाला मान रख दिए हैं। तो देखिए इसी वाले समीकरण में ये तो है ही सेम, और डेल्टा की जगह क्या रख दिए थे, ये वाला मान रख दिए थे, तो डेल्टा के मान पे ये हम रख दिए, तो हमको ये ऐसे मिल गया और उसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये मिल गया आपको, ठीक है। ये है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किस चीज का, कोश के बाहर, यही आपको समझना था। तो ये आएगा जब भी 4 या 5 नंबर में आएगा, क्योंकि डिराइवेशन हमेशा 4 या 5 नंबर में आते हैं, वो भी अच्छे डिराइवेशन, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।